बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक किथोड्रे ऑसिलोस्कोप। टेंथ क्लास में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड किया जाए तो ये क्या करता है, उसकी शेप या साइज़ के बारे में हमें बताता है। इसको हम हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। अगर आप क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपने प्रोवाइड किए हैं, तो ये आपको क्या करेगा, उसका ग्राफ बना के शो करवाएगा। जिस तरह अगर आप इस फिक के अंदर देख सकें तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आपको ये बताएगा, और पीक वैल्यू है इनके बारे में भी आपको बताएगा। और मज़ीद ये इसके साथ नॉब्स लगी हुई हैं तो ये आपको हेल्प करती हैं इन सिग्नल्स को कंट्रोल करने में। अगर हम इनके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके तीन मेन पार्ट्स हैं। ये जी हमारे पास सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह ये फिलामेंट है और इसके साथ ये कैथोड अटैच है और देन ये ग्रिड है। उसके आगे क्या है जी, ये फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग नोड्स लगे हुए हैं। इनकी हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में देखेंगे कि इनका क्या काम है। और इसके बाद जी सेकंड सिस्टम है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन सिस्टम, यहाँ पर हॉरिजेंटली और वर्टिकली ये प्लेट्स हैं, ये एक्स और एक्स प्राइम और ये वाई और वाई प्राइम। और थर्ड में हमारे पास आ जाएगा ये डिस्प्ले सिस्टम। अब डिस्प्ले सिस्टम में जो भी सिग्नल पीछे से आ रहा है वो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो एक्स वाली जो प्लेट्स हैं इनका क्या काम है, ये उस सिग्नल को हॉरिजेंटली मूव करवाती हैं, हॉरिजेंटली शो करवाती हैं। और ये जो Y वाली प्लेट्स हैं इनका क्या काम है, उन्हीं सिग्नल को डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या करती हैं, वर्टिकली शो करवाती हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन को, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर और उनका काम क्या है। तो सबसे पहले है जी इसके अंदर फिलामेंट, ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट है। तो जब हम क्या करते हैं, इसमें से करंट पास करवाते हैं तो ये ग्लो करता है और इससे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। इसके साथ ही ये यहाँ पर है हमारे पास कैथोड। अब जब फिलामेंट क्या करेगा, वो ग्लो करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा और प्रोवाइड कर रहा है किसको, कैथोड को। तो कैथोड भी क्या होगा, वो हीट होगा। हीट होने से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है। तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं थर्मियोनिक एमिशन, इट मीन्स थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, वो क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन। और इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर एक छोटा सा होल होगा और इसके साथ ये ग्रिड है हमारे पास। अब ग्रिड जो है ये, अगर तो ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, अब इसमें जो पोटेंशियल होगा वो होगा नेगेटिव। अगर तो ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो ये जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो, यानी कि उनकी क्वांटिटी क्या होगी, वो कम होगी और एट द एंड वो स्क्रीन पर कम पहुंचेगा और जो स्पॉट बनेगा स्क्रीन के ऊपर वो क्या होगा, वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा। और अगर यही जो ग्रिड है ये लेस नेगेटिव है तो यहाँ से कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो मैक्सिमम पहुंचेंगे कहाँ पर, डिस्प्ले सिस्टम स्क्रीन के ऊपर, और वो जो वहाँ पर स्पॉट बनेगा वो क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट होगा। उसके बाद है जी ये हमारे पास फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड्स। तो एक तो फोकस करवाते हैं और जो यहाँ से बीम आ रही है उसको एक्सेलरेट भी करवाते हैं। तो एक्सेलरेट मतलब उनकी स्पीड में इजाफा करना। तो अगर हम बात करें A1, A2 और ये A3 है, तो जो A3 है इसका पोटेंशियल ये सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल होगा, A2 का उससे कम और A1 का इनसे कम होगा, A3 और A2 से। तो हम कह सकते हैं A1 पर क्या होगा, वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगी वो कुछ एक्सेलरेट होगी, A2 पर उससे ज़्यादा होगी एंड A3 पर उससे ज़्यादा होगी। तो ये सारा हमारा पार्ट कौन सा आ गया, इलेक्ट्रॉन गन का। उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम की। इसमें हमारे पास ये प्लेट्स हैं, आप इनको एक्स और एक्स प्राइम का नाम दे सकते हैं, या आप इनको कह सकते हैं ये एक्स प्लेट्स हैं। अब ये क्या करती हैं, यहाँ से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो इनको स्क्रीन पर क्या करेंगी, हॉरिजेंटली मूव करवाती हैं, हॉरिजेंटली। और ये जो वाई प्लेट्स हैं हमारे पास, ये क्या करेंगी, जो पीछे से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको स्क्रीन पर क्या करेंगी, ये वर्टिकली मूव करवाएंगी, तो वर्टिकली डिस्प्ले करवाएंगी।
तो ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया, ये डिफ्लेक्शन सिस्टम हो गया। और इसके बाद जो हमारे पास है डिस्प्ले सिस्टम। डिस्प्ले सिस्टम में क्या है कि यहां पर हमारे पास जो स्क्रीन है वो जिंक सल्फाइड की है, यानी कि यहां पर जो कोटिंग हुई पड़ी है फ्लोरिसेंट मटेरियल है एक जिंक सल्फाइड, तो यहां पर जो कोटिंग है वो किसकी है, जिंक सल्फाइड की। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं जिंक सल्फाइड पे, जिंक सल्फाइड से जब इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लो पैदा होता है, तो यहाँ पर रोशनी पैदा होती है। तो जो भी हॉरिजेंटली या वर्टिकली जो भी डिस्प्ले होगा वो फिर यहाँ पर हमारे पास शो होगा। अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ CRO की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन एक्स प्लेट्स की। अब इन एक्स प्लेट्स के साथ क्या होता है, एक सर्किट अटैच होता है जो कि बिल्ट इन ही होता है, उसको हम बोलते हैं स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर। तो अगर हम उसकी आउटपुट की फॉर्म की बात करें तो वो होती है सॉ टूथ वोल्टेज वे फॉर्म होती है उसकी, सॉ टूथ टाइप, यानी कि जिस तरह RE के दंदे होते हैं। तो ये अगर मैं आपको शो करवा सकूं, ये देखें जिस तरह ये RE के दंदे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखें वोल्टेज इंक्रीज करती है विद टाइम और फिर क्या हो जाती है, ये ड्रॉप्स टू ज़ीरो, एंड अगेन ये इंक्रीज करती है एंड ड्रॉप्स टू ज़ीरो हो जाती है। तो अगर तो क्या है कि टाइम पीरियड बहुत स्मॉल है, तो ये जो स्पॉट बनेगा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो स्पॉट बनता है यहाँ पे, अगर टाइम पीरियड क्या है बहुत स्मॉल है, तो वो स्पॉट बनेगा स्क्रीन पर वो क्या करेगा, बहुत क्विकली मूव करेगा, इतना क्विकली मूव करेगा कि हमें हॉरिजेंटली क्या होगा, जस्ट अ लाइन क्या होगी वो शो होगी। अब अगर हम बात करें इन वाई प्लेट्स की, तो अगर आप वोल्टेज अक्रॉस वाई प्लेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, वाई प्लेट्स के अलॉन्ग हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। तो अगर साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस वाई प्लेट्स, और उस वक्त क्या है, ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है वो क्या है, ऑफ है, तो जो यहाँ पर स्क्रीन पर स्पॉट बनेगा वो ग्रीन कलर का है, या अगर बात करें ब्लू कलर का है, तो जिस कलर का भी यहाँ पर स्पॉट बनेगा वो वर्टिकली मूव करेगा। ठीक है, तो हॉरिजेंटली और वर्टिकल को आप अंडरस्टैंड करते हैं, या यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। जब हम एक्स प्लेट्स की बात करें तो ये इस तरह से हमारे पास हॉरिजेंटली हम बात कर रहे थे, और जब हम वाई प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो ये इस तरह से वर्टिकली। तो एक्स प्लेट्स की बात करें तो हॉरिजेंटली स्पॉट बनेगा ऐसे, और जब हम वाई प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो वर्टिकली यहाँ पर क्या बनेगा, स्पॉट बनेगा। तो ये तो केस हमारा हो गया जिसमें हमने क्या किया हुआ है, टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑफ किया हुआ है, और साइनोसॉइडल वोल्टेज आपने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई की है, तो उस वक्त जो स्पॉट होगा वो वर्टिकली सिर्फ मूव करेगा। अगर आप क्या करते हैं कि ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है जो यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था ये एक्स के साथ, इसको क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, और साइनोसॉइडल वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं अक्रॉस वाई प्लेट, तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक साइनोसॉइडल ट्रेस हासिल होगा, साइनोसॉइडल वेव हासिल होगी कुछ इस तरह से, यानी कि इस तरह से हमारे पास क्या होगी, कोई वेव हासिल होगी। और अगर क्या है कि उसका टाइम जो है दोनों का, एक्स और वाई, इनका टाइम क्या है, इक्वल है, तो ये जो हमारे पास ये साइनोसॉइडल ट्रेस या वेव हासिल होती है कहाँ पर, CRO पे, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो होगी। तो ये क्या होगी, अगर टाइम दोनों का क्या है, इक्वल है, तो ये क्या होगी, ये जो ट्रेस हासिल होगी साइनोसॉइडल, ये क्या होगी, स्टेशनरी होगी, साकन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस की। ये यूजेस में सबसे पहले हमारे पास है टू डिस्प्ले द वेव फॉर्म ऑफ गिवन वोल्टेज, कि आपने जो वोल्टेज अप्लाई की है उसकी वेव फॉर्म हमारे पास हासिल होगी। जिस तरह ये फिक के अंदर देखें तो वोल्टेज अप्लाई की है तो इसकी ये हमारे पास फिग आ गई। टू मेजर द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ इनपुट सिग्नल, इसकी वोल्टेज है उसको मेजर किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, और फेज ऑफ इनपुट सिग्नल के जो आपने इनपुट सिग्नल दिया है कि वो उसका फेज क्या है। टू मेजर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पीक वैल्यू, किसी भी लम्हे आप क्या करना चाह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। जिस तरह अगर हम सपोज करें कि आप जी इस यहाँ पर
इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहां पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं जी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहां पर फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। पीक वैल्यू है, अगर हम बात करें ये पीक कितनी बन रही है तो ये पीक वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल, कि इसका टाइम पीरियड कितना है, अगर एक सिग्नल आता है तो कितना टाइम लेता है। एंड मेजर द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस, कि अगर दो वोल्टेजेस हैं उनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या है। अगर हम सपोज बात करें कि ये एक सिग्नल ये है और दूसरा सिग्नल जी हमारे पास कुछ ये वाला है ऐसे, अब हम इनका क्या करना चाह रहे हैं, फेज डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये 90 होगा और ये वाला जो सिग्नल है यहाँ पर क्या होगा 270 होगा। तो 270 में से आप 90 क्या करें, माइनस करें, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 180 डिग्री। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। तो ये इसके कुछ यूजेज हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो इसको एक दफ़ा से हम दोबारा देख लेते हैं कि थर्ड रे ऑसिलोस्कोप ये क्या करती है, किसी भी जो सिग्नल आपने प्रोवाइड किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसकी शेप या साइज देखा जा सकता है इसकी मदद से। और ये इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। और इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो तीन मेन पार्ट्स है, एक इलेक्ट्रॉन गन सिस्टम है और ये डिफ्लेक्शन सिस्टम है और ये डिस्प्ले सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन गन सिस्टम के अंदर क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट जब हीट अप होगा तो क्या होगा, कैथोड, कैथोड से क्या होंगे, ये फिलामेंट को हीट प्रोवाइड करेगा कैथोड को, कैथोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और इसके साथ सामने क्या है, ग्रिड है जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अगर तो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रिड का बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कम पास होंगे, जब कम पास होंगे तो जो यहाँ पर जाकर टकराएंगे कम टकराएंगे, और जो यहाँ पर टकराने से स्पॉट बनता है वो ग्रीन या ब्लू कलर का है, तो वो क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या कह लें, कम होगी, उसकी ब्राइटनेस कम होगी। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, यानी ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल क्या है, कम है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो यहाँ पर जाके जो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे उनकी वजह से ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उसके बाद क्या है हमारे पास, फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग नोड्स, तो ये क्या करते हैं, ये जो बीम आती है उसको फोकस भी करवाते हैं और एक्सेलरेट भी करवाते हैं। तो A1 पर कुछ एक्सेलरेट होंगे, A2 पर उससे ज़्यादा और A3 पर उससे ज़्यादा। और उसके बाद हमने बात की डिफ्लेक्शन सिस्टम की, डिफ्लेक्शन सिस्टम में ये हमारे पास एक्स प्लेट्स हैं, तो ये जो बीम आती है ये उसको क्या करती हैं, हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट करवाती हैं, हॉरिजेंटली हमें शो करवाती हैं। और वाई प्लेट्स क्या करती हैं, जो सिग्नल आता है उसको वर्टिकली शो करवाती हैं। तो उसके बाद क्या है जी, हमने इसकी बात की कि कैसे इनकी वर्किंग है। वर्किंग के अंदर हमने बात की जी वोल्टेज अक्रॉस एक्स प्लेट्स जब आप अप्लाई करवाते हैं तो इस यहाँ पर क्या होता है, बिल्ट इन एक सिस्टम होता है जिसको हम स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर बोलते हैं। तो इसके जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है, ये वाली, और इसको क्या बोलते हैं, सॉटूथ वोल्टेज वेव फॉर्म। तो सॉटूथ मतलब होता है आरी के दंदों जैसे। और मज़ीद इसी तरह हमने जब वोल्टेज अक्रॉस वाई प्लेट्स हमने बात की तो उस वक्त हम क्या करते हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑफ़ कर देते हैं। तो टाइम बेस्ड जनरेटर को जब ऑफ़ किया होता है तो सिर्फ वाई की बात हो रही है, यहाँ पर आपने अप्लाई की है वोल्टेज, तो फिर क्या होगा, जो स्पॉट बनेगा वो वर्टिकली मूव करेगा। और मज़ीद आप क्या करते हैं, जब टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑन करते हैं और इधर भी वोल्टेज अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या हासिल होती है, एक साइनोसाइडल ट्रेस या साइनोसाइडल वेव हासिल होती है। और एट द एंड फिर हमने इसके यूजेस की बात की, यूजेस के अंदर ये सारे हमारे पास क्या है यूजेस, कि आप वो उसकी वेव फॉर्म देखना चाह रहे हैं कैसी वेव फॉर्म है वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो उसमें तो सिर्फ ये साइनोसाइडल है, तो इसके हट के भी वेव फॉर्म हो सकती है। तो हाँ, जो हमारे सिलेबस के अंदर वो सिर्फ साइनोसाइडल वेव फॉर्म का जिक्र है। और मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, और जो इनपुट सिग्नल है उसका फेज़ क्या है वो भी आप मालूम कर सकते हैं। शुक्रिया।